खोज परिणामों से मैं उपयोगी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? इंटरनेट सूचनाओं, वीडियो, तस्वीरों और लेखों का भंडार है जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। बस आप जो चाहते हैं उन्हें खोजने की जरूरत है। आप गूगल के जरिए ये काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा कढ़ाई सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं था जो मुझे सिखा सके। इसलिए मैंने इंटरनेट पर बहुत से वीडियोस खोजे, जिनसे मुझे पता चला कि कढ़ाई कैसे की जाती है। अब मैं अपने घर में ही कढ़ाई का एक छोटा सा कारोबार कर रही हूँ और अपने ग्राहकों के लिए नए नए नमूनों की तस्वीरें खोजती रहती हूँ। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो सब कुछ खोज सकते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है, और कई जगह से नए आइडिया आपको मिल जाएंगे। जैसे आप ये खोज सकते हैं कि खाद बनाने की क्या क्या नई तकनीकें हैं, या आपके बच्चे के स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग विषयों पर तस्वीरों को देख सकते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिले। जब आप गूगल पर कोई सूचना खोजते हैं जो आप खोजना चाहते हैं, तो आपको वो सब कुछ वीडियो, तस्वीरों और लेखन के रूप में दिखाई देता है जो आपके काम का हो सकता है। आपको वो सूची देखकर ये तय करने की जरूरत होती है कि आपके लिए कौन सी सूचना ज्यादा उपयोगी है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं, ताकि इंटरनेट का इस्तेमाल आप उन चीजों को खोजने में कर सकें जो आप चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना फोन लेती हूँ। इसके बाद मैं अपने फोन के नीचे दिए गए बड़े बटन को दबा कर रखती हूँ। अब गूगल असिस्टेंट खुल जाता है। इसकी मदद से मैं इंटरनेट पर अपनी पसंद की चीजों की खोज कर सकती हूँ। आपने ये माइक बटन देखा? मैं बस इसे उंगली की मदद से दबा कर रखती हूँ और वो बोलती हूँ जो मैं चाहती हूँ, और गूगल असिस्टेंट मेरे लिए वो ढूंढ देगा। उदाहरण के लिए, कपड़ों पर कढ़ाई कैसे की जाती है वीडियो। गूगल असिस्टेंट कई अलग अलग वीडियोस दिखाता है जो मुझे लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए ज्यादा उपयोगी है। मैं उसी को दबाती हूँ और फिर मैं उसे देखती हूँ। अलग अलग नमूनों की तस्वीरों की खोज करना भी उपयोगी होता है। उन्हें मैं कॉपी कर सकती हूँ। ये करने के लिए मैं वापस जाने के लिए तीर के निशान को दबाती हूँ। फिर मैं एक बार फिर माइक दबाती हूँ और इस बार मैं कहती हूँ, कढ़ाई के बॉर्डर डिजाइन की तस्वीरें। अब गूगल असिस्टेंट मुझे अलग अलग तस्वीरें दिखाता है। अब ये सारी तस्वीरें देखने के बाद मुझे जो भी डिजाइन पसंद है उसे दबाती हूँ। जब मैं किसी एक तस्वीर पर क्लिक करती हूँ, ये बड़ी हो जाती है और साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन मैं केवल एक ही थोड़ी देखना चाहती हूँ। मैं सभी तस्वीरों की सूची पर वापस जाने के लिए ऊपर कोने में दिए गए क्रॉस के निशान को दबाती हूँ। मैं तस्वीरों को दबाती रहती हूँ और फिर वापस सूची पर जाती हूँ। इस तरह मैं जितनी चाहे तस्वीरें देख सकती हूँ। मैं सोचा करती थी कि आपको केवल पहली ही दबाने की जरूरत होती है, लेकिन बाद में पता चला कि जितना आप ज्यादा देखते हैं, उतनी ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखाई देते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो इसलिए डरिए मत, खोजते रहिए। मुझे ये भी चिंता रहती थी कि इतनी तस्वीरों में हो सकता है कुछ तस्वीरें खराब हों। जब आप सिलाई करते हुए कोई गलती करती हैं, बस दोबारा से धागा लीजिए और उसे कीजिए। इसी तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जब भी आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे जो आपको ना पसंद हो, तो आप तीर के निशान को दबाकर वापस जाएं और दोबारा कोशिश करें। अगर आपको शुरू में मुश्किल लगे तो हिम्मत मत हारिए। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तो इस वीडियो को देखती रहिए जब तक आप सीख ना जाएं। अलग अलग चरणों का अभ्यास करते रहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और कोशिश करते रहिए।